नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सरकार और आज हम एक इंटरेस्टिंग टिप्स लेके आया है। वो है कि कौन सा स्टीकिंग, कौन सा प्रैक्टिस हम कौन सा टेम्पो में प्रैक्टिस करेंगे तो फिर जाके बाद में जाके कोई भी गाना, कोई भी रोल हम लोगों को प्ले करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हाथ में कैसे स्पीड आना चाहिए। ओके, तो जिससे हम कोई भी रोलिंग, कुछ भी गाना हम प्ले कर सकता है नॉर्मली। ओके, तो फर्स्ट हम ज़्यादा नहीं, दो तीन हम स्टीकिंग अभी बोलेंगे। सबसे पहला जो है आर एल। ओके, मतलब आर एल। तो ये स्टीकिंग हम मैक्सिमम कौन सा टेम्पो में हम अगर प्ले कर सके तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये टारगेट आप लोग कर लो, शुरू करना एटलीस्ट 60 टेम्पो में शुरू करना। हम आज दिखाएंगे एटलीस्ट इसका टेम्पो आर एल। ये अगर आप 200 टेम्पो में कर पाओगे सिर्फ 2 मिनट के लिए। ओके, हर एक टिप्स हम जो दिखाएंगे, जो फाइनल जो टारगेट है कि आप उसके बाद 200 का बाद अगर आप उठाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो बढ़िया बात है। लेकिन मिनिमम जो टारगेट है 200 टेम्पो में आर एल। ठीक है, तो हम वही दिखा रहा है कि आर एल प्रैक्टिस 200 टारगेट में करो। ओके, 1
फिक्स करो कि हमको इसी टेम्पो में प्ले करना होगा, ओके। और उसके बाद देखो कि कोई भी गाना, कोई भी रोल आपका हाथ में आ जाएगा। तो इसी टेम्पो सेट करके आप घर में प्रैक्टिस करो, रियाज करो, रबर पैड में, कोई इंस्ट्रूमेंट में नहीं, सिर्फ रबर पैड में प्रैक्टिस करो, तो उसके बाद रिजल्ट आप खुद देख लेंगे, ठीक है, कि आप कहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं, ठीक है। तो कैसा लगा ये टिप्स ज़रूर कमेंट करके बताइए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ओके।